नमस्कार, देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए, जिला पंचायत प्रधानी के चुनाव नजदीकी हैं तो हमारे बीच में झांसी के ऐसे गांव में खड़ा हूँ जिस गांव का नाम है सैमरी। सैमरी के पास जो अमरगढ़ है, अमरगढ़ गांव के अंदर खड़ा हूँ। आइए, हमारे बीच में अमरगढ़ के अंदर अनेकों प्रत्याशी ग्राम पंचायत प्रधान हो चाहे जिला पंचायत हो, अपने अपने दावेदारी कर रहे हैं। तो इसी बीच में हमारे बीच में एक फौजी भाई जो 18 साल नौकरी करने के बाद हमारे बीच में चुनावी मैदान में आ चुके हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह तोमर। ये भी अपनी दावेदारी एक अमरगढ़ गांव से कर रहे हैं। तो हमारे बीच में फौजी भाई भी मौजूद हैं जो तैयारी कर रहे हैं जिला पंचायत से, और हमारे बीच में यहाँ के गांव वालों भी मौजूद हैं। आइए, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस गाँव के अंदर भी क्या क्या विकास है, किसानों की समस्या किस तरीके से किसान भाई जूझ रहे हैं। तो हमारे बीच में सब लोग खड़े हैं। राधा राम राम, जय राम। क्या हाल है आपके? बढ़िया। बात करेंगे किसानों की, अभी भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर अभी भी किसान रोज अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनका हल नहीं नजर आया। आप लोगों को भी किस प्रकार आपको फायदा है किसान बिल से, क्या कितना नुकसान है? नहीं, किसान बिल से तो फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अभी वर्तमान में ये परिस्थिति है कि हम लोगों की अगर सरकारी रेट पर हम नहीं बेचते हैं तो जो व्यापारी लोग आते हैं तो वो 800 रुपया 900 रुपया धान खरीद रहे हैं हम लोगों की। तो इस परिस्थिति में अगर ये बिल लागू कर दिए जाएं तो स्वतंत्र हो जाएगा व्यापारी, तो एकदम स्वतंत्र हो जाएगा, भंडारण कर लेगा। हम लोगों को तो रेट नहीं मिलना है, लेकिन व्यापारी को रेट मिल जाएगा, भंडारण करके वो 20 रुपया की चीज़ खरीद के और 100 रुपया की बेचेगा। जैसे आपने देखा हो कि जिस प्याज के दाम क्यों बढ़े थे, भंडारण की वजह से। थोड़ी चुनावी बात कर लें, जिला पंचायत आ गए, प्रधान ही आ गए, कहा है जा गांव के अंदर विकास क्या इस बार आप देखिए? चुनाव तो आते रहते हैं, एक व्यवस्था है लोकतंत्र की, वो तो आएंगे। अब विकास होता है नहीं होता है उसके लिए क्या किया जा सकता, हम लोगों को तो वोट देना ही है, देंगे किसी न किसी। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति आता है, जैसे हमारे फौजी भाई अभी फौज से निकल के आए हैं, तो ये लोग ईमानदार बहुत होते हैं। तो हम लोगों की पसंद है कि इन्हीं को चुन लिया जाए, विकास हो जाए गांव का। अभी कहा है जा गांव में मोड़ी मोड़ा पढ़ लिख पा रहा कि नहीं पढ़ पा रहा, कोरोना काल भी ऐसी चलोगा और अभी भी जी हाल है। अभी तो शुरू से स्कूल बंद ही रहे। हाँ, जो है कि थोड़े बहुत ध्यान लगे बच्चे। चुनावी चर्चा कर लें, फिर जिला पंचायत आ गए कछु दिन बाद। हाँ, जिला पंचायत आ गया तो जिला पंचायत हम लोग अपने गांव से चाहें कि इतने वोटे ही गांव में है कि दूसरे लोगों को क्यों देता। कितनी वोट है वैसे जा गांव में? हमारे 5000 से ऊपर है। 5000 से ऊपर है तो कहा है जा बार का आप लोग, बदलाव के मूड में होगा पूरे गांव? लोग तो मूड में है अपने गांव से जिला पंचायत से। अच्छा। अरे राम राम साहब, राम राम। क्या हाल है आपके? बढ़िया है। सवाल कहा है, सड़क गोला मोला ठीक है? जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ जो है रोड सड़कें बनी है। अरे, और हमारे यहाँ जो है ये क्या नाम कब्रिस्तान भी बना है, उसकी भी जो दीवारें टूटी पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है, साफ सफाई नहीं है वहाँ पे। पूरे गांव तो देता ही है मतदान, चाहे जिला पंचायत हो चाहे प्रधान हो चाहे विधायक हो, बिल्कुल गांव देता है। फिर चुनाव आएगा जिला पंचायत? बिल्कुल आ गया चुनाव। फिर कहा है जाओ? ऐसा करेंगे कि जो हमारा पूर्व प्रत्याशी था वो तो गांव में ढूंढने भी नहीं आया, पूरे पांच साल कर चुके हैं उसके, और ना उसने कोई विकास कराया ना कोई काम कराया। अब तो मैं ये चाहता हूँ कि हम जो है नया प्रत्याशी चुने कि जो कि हमारे गाँव में विकास कराएगा। और हमारे यहाँ प्रत्याशी जो एक भूपेंद्र सिंह तोमर फौजी भाई जो अपनी जो है नौकरी पूरी करके यहाँ आए हैं, तो उन्होंने इच्छा जताई कि भाई मैं इस गांव का विकास कराऊंगा, तो हम लोगों ने भी उस पर सहनशीलता रखी। तो हम आगे चल के हम जो सोच रहे हैं कि उन्हीं को प्रत्याशी बनाए और आगे हम उन्हीं को जो है जिताएंगे, पूरा तन मन धन से उनका साथ देंगे और विजयी बनाएंगे। यह गांव था अमरगढ़ जो सैमरी के पास ही अमरगढ़ गांव आता है। इस गांव के अंदर 5000 से अधिक वोटिंग है। यहाँ के ग्रामीण वासियों ने सबने बताया कि किसान भी जूझ रहे हैं अपनी समस्याओं से और यहाँ के वार्ड वासी तो गांव वाले तो जूझ रहे हैं। तो आइए अब डायरेक्ट मिलते हैं जो सदस्य अपनी 18 साल नौकरी करने के बाद फौज से आ चुके हैं इस गाँव के अंदर, जिला पंचायत की दावेदारी कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह तोमर जी। इनसे जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से मुद्दे को लेकर ये पहली बार चुनावी मैदान में उतर आए हैं। तो अगली आवाज़ भूपेंद्र सिंह तोमर जी की। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या हाल है सर? बढ़िया। कैसे नौकरी आपने पूरी 18 साल किस अंदाज में आपने निभाई? बढ़िया। बॉर्डर पे रहे हैं जी, रहा है। कैसे मनसा बन गई अचानक चुनावी में आ गए? गांव में आए हैं तो गांव के लोगों को, जो गांव के लोगों की समस्याएं हैं उनको देख रहे हैं। असल में क्या है, हमारा बहुत बड़ा गाँव है और इतनी जनसंख्या, लगभग हमारी 6000 की लगभग वोटिंग है। 6000 की वोटिंग में आज तक सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमारा कोई जिला पंचायत सदस्य गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए जिला लेवल पर नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारे लोग आपस में बट जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने गांव में मीटिंग की, सब लोगों से
सलाह मशवरा किया तो गांव के लोगों ने हमें आगे करने के लिए प्रेरित किया, हम तैयार हुए, हम गांव की लड़ाई लड़ेंगे। भाई साहब एक सवाल हो रहा है, अगर गांव बारानी कृपा हो, आशीर्वाद हो गई, भगवान की कृपा हो गई, सहयोग होगा, आशीर्वाद, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर विजय बनते हो तो? पहली प्राथमिकता हमारी ये है, सबसे पहले हमारे गांव से एक यहाँ बगल में गांव है बकवा, वो भी इसी हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में आता है। आज हमारे क्षेत्र के लोग अमरा, कुमरिया, पालरी, चिलरा, हर जगह के लोग, एक स्टेट बैंक है जिनके क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं, बैंक में पचासों काम पड़ते हैं, तो वो लगभग मोट से घूम के जाना पड़ता है, तो लगभग 20-25 किलोमीटर पड़ता है। सबसे पहले हमने जो दृढ़ निश्चय, अगर हम जीत के आएंगे, सबसे पहले अमरा से सीधी सड़क बनवाएंगे जो कि बकवा को जोड़ती है, जिससे 25 किलोमीटर की दूरी घटकर मात्र 3 या 4 किलोमीटर हो जाएगी। फर्स्ट प्राथमिकता हमारी यही रहेगी। सब बहुत खराब है और 26 जनवरी कल है, वहाँ किसान दिल्ली के अंदर भी एक ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से एक आवाज़ देने दे रहे हैं किसान भाइयों को या सरकार को कि आखिरकार क्यों नहीं हो रही सुनवाई। आपके किसान भाई किस तरीके से जी रहे हैं? वो समस्या चूंकि बड़ी है, हमारे लेवल की नहीं है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। बाकी समस्या के बारे में हमारे पाठक जी ने आपको बता ही दिया है गाँव के, तो उसमें तो हम नहीं कह सकते। बाकी जहाँ तक हमारा वो है, हम तो गाँव की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, अगर आप 100 नंबर या 102 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाते हैं, कभी भूपेंद्र सिंह तोमर को जिता के भेजना, और आप भूपेंद्र सिंह तोमर का फ़ोन लगा लेना और 100 नंबर लगा लेना, पहले भूपेंद्र सिंह तोमर पहुंचेगा, 100 नंबर या 102 नंबर डायल नहीं पहुंच पाएगी, इससे ज़्यादा हम विश्वास और कुछ नहीं दिला सकते। कौन सा गांव है आपका? अमरगढ़। अच्छा, पता है चुनाव आ गए जिला पंचायत के? हाँ भैया पता तो है। जानकारी लेना चाह रहे हैं आपसे, जा गाँव में विकास भाव को नहीं भाव? भैया अपनी अपनी जगह पे थोड़ी बहुत तो भाव है, वो ज्यादा तो कछु नहीं भाव है, वो थोड़ी भाव है जी। फिर चुनाव आगे जिला पंचायत के, कहा है जावार मनसा आपकी? अब तो भैया जावार तो अगले दूसरे को जिताने की मनसा है, इनको तो नहीं है। और आगे अब हम तो ये सोच रहे हैं कि जहाँ तक अगर भूपेंद्र सिंह तोमर बन जाए तो ठीक है। नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीति देवी है जी। आपको मालूम है जिला पंचायत चुनाव आ गए? हाँ हाँ मुझे मालूम है जिला पंचायत। तो कहा है जा गाँव में, मोड़ी मोड़ा पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा तुम्हारे जी? बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बस विकास की थोड़ी कमी है यहाँ पर। फिर क्या है इस बार, फिर चुनाव आ गए छाती पे कछु दिन रह गए? अब चुनाव आ गए हैं तो अब हमारे गाँव के ही जो मुखिया है उन्हीं को बनाएंगे हम, अपने गाँव के हैं जो जाने पहचाने हैं उन्हीं से थोड़ी गाँव की अब तरक्की। कौन है आपकी नज़र में वैसे जी? हमारे गाँव के भूपेंद्र सिंह तोमर जी। राम राम। कौन नाम अपनो? किरण। किरण कौन से गांव में रहती? अमरगढ़ में। जिला पंचायत के चुनाव आ गए? हाँ तो गए सर। कहाँ है फिर जावर आपकी मनसा? कोई नया सदस्य बन जाए। कौन है आपकी नज़र में? नाम नहीं बता सकते। अच्छा, आपकी क्या राय है? अब कोई दूसरा बन जाए। अच्छा, कहा जा गाँव में विकास नहीं भाव का? नहीं कुछ नहीं, ज्यादा विकास नहीं हुआ।